हे गाइस वेलकम बैक टू नोट टॉकर व्लॉग्स के चैनल में गाइस आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस आज इस व्लॉग चलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड में और देखते हैं गाइस वहां पे जाके क्रिकेट मैच और फुल ऑन एंजॉय के साथ मैच देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, फुल मस्ती के साथ कमेंट्री करेंगे गाइस। बाहर से माइक पे तो नहीं करेंगे हम लोग, करेंगे अपने फोन में ही कमेंट्री खतरनाक वाली, ठीक है। तो अभी चलते हैं गाइस, मौसम बिल्कुल साफ है बाहर और साफ मौसम ऐसा है ना गाइस कि अंदर से तो मैंने ऐसे स्वेटर भी लगा के रखा है हुडी के अंदर, क्योंकि आपको पता ही शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और वही सीन हमारे साथ क्रिएट हुआ था पिछले व्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो गई थी गाइस उसके ज़्यादा मैं फिर ज़्यादा अभी मैं व्लॉग को रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बट आज मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्ड करे गाइस और हमारी पब्लिक हमारे सब्सक्राइबर अच्छे से अच्छा क्रिकेट मैच देखे फुल ऑन, ठीक है। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं आपके साथ ग्राउंड में पहुँच के, देखते कितनी टीम आई है, क्या पता एक ही मैच हो या फिर दो मैच हो, कोई अंदाज़ा नहीं गाइस क्योंकि मेरे को भी ना अभी। सो फाइनली गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने क्रिकेट के ग्राउंड में जहां पे गाइज ऑलरेडी दोनों टीमें आ चुकी है। गाइज आज के दिन में इन्होंने दो मैच करवाए, एक मैच तो गाइज इससे पहले हो चुका है जो जिसे हमने कर लिया है मिस, ठीक है, देखने से मिस हो चुका है। बट गाइज जो ये मैच होने जा रहा है ना, ये डक्षाई 11 वही टीम गाइज जो मैक्सिमम टाइम हमारे साथ खेलती थी, और दूसरी जो टीम है गाइज वो है धर्मपुर 11। तो देखते हैं गाइज दोनों में से कौन सी टीम जीती है। सामने अभिषेक भाई जिन्होंने दूर से हाथ घुमा दिया अपने लिए, तो इनसे साथ मिल के आते गाइज। तो गाइज अभी मिलने के बाद अभी बॉलिंग आई है अभिषेक भाई की टीम की, जो कि इनकी टीम है डक्षाई 11, ठीक है, और साथ में जो धर्मपुरी 11 है वो बैटिंग चॉइस करेंगे गाइज। तो अभी देखते हैं कौन सी टीम जीतती है गाइज, कौन सी बैटिंग अच्छी करती है, कौन सी टीम बॉलिंग अच्छी करती है, या दोनों ही टीमें दोनों ही बेस्ट भी कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग, वही टीम जीत जाएगी गाइज। और स्कोर कितने तक जाता है गाइज आप भी आइडिया लगा लो कि 10 ओवर का मैच है, ये ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है और पिच आपको पता ही है पिच में बहुत तगड़े वाला उछाल है, स्पिनर यहाँ पर टिप बचे जाते हैं शॉट लगने से, बट जो गाइज पैसर है ना उसके ऊपर तो काफ़ी बड़े बड़े शॉट देखने को मिलते हैं गाइज इस पिच के ऊपर। तो बैटिंग पिच भी है गाइज और बॉलिंग पिच भी है बट स्पिनर के लिए, बट गाइज अगर ऑफ साइड से बंदा यहाँ पे पैसर ना फुल पेस बॉल निकाले ऑफ साइड से तो बच सकता है। बाकी देखते हैं कौन सी टीम विन करती है आपके सामने गाइज, बाकी देखो आप भी फुल ऑन व्लॉग पूरा मैच का इन्जॉय लो गाइज आप लोग भी। अभी मैं बोलना बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सही बंदा है रात, हाँ सही सही और गाइज यहाँ पे मैच शुरू होने से पहले ही हमें दोनों टीमों में थोड़ी सी नोक झोंक देखने को मिलती है। वाइट शर्ट में गाइज अनमोल है जिसके पास गाइज हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं जिसने, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन कर लेते हैं दोनों ही बैट्समैन की हाथों में कैच हो सकता है बड़ा ही इजीली अगर हाथों में ग्लव्स पहन के ये खेलेंगे, तो ऑब्जेक्शन हो चुका है। बाकी अंपायर के साथ भी इन्होंने अपनी बात रख ली है कि अगर ये कैच पकड़ेगा तो हम नॉट आउट मानेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमेडी टाइप सी नोक झोंक है। बाकी फिर उसके बाद भी बंदा नहीं मानता है और हाथों में ग्लव्स पहन लेता है कि कोई बात नहीं यार, चलो इतना बड़ा रीज़न नहीं है, बट रीज़न ये था गाइज़ कि इसके हाथों में चोट लगी हुई थी उस करके गाइज़ इसने ग्लव्स पहने हैं। तो अभी मैच शुरू कर देते हैं गाइज़, ये लोग इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो मैच शुरू हो जाता है गाइस आप भी एंजॉय करो। शाला जी चश्मे वाला ओपनर, अरे जो देखो नहीं रहा कॉलेज जाना पार चले इसके। तो गाइज अभी देखते ही देखते मैच शुरू हो जाता है और यहाँ पे डक्षाई 11 अभिषेक को, मिस्टर अभिषेक को गाइज पहला ओवर देना सही समझते हैं और गाइज यहाँ पे बॉल डालते हैं और ये गाइज थोड़ा बम्प रहा लग जाता है, तो यहाँ पे अपील करते हैं पूरी टीम की आउट, बट अंपायर नॉट आउट देता है। बट गाइज ट्राई अच्छी थी, एफर्ट अच्छा था, बॉलिंग अच्छी थी, ठीक है। बाकी देखो आप पूरा मैच कैच, ओए यार ये कैच था यार, है ना, ये बम तो नहीं था, कैच था, ये छाटिया वाले पहली बॉल दिखी थे छक्का, हां इधर बोल रहे हैं छक्का चौका हुआ और चौका भी पहली बॉल में आ गई थी विकेट आज। सो गाइज अब ये दूसरा ओवर चल रखा है, तो गाइज इसमें ना पहली बॉल पे गाइज कैच बनता था बट वो भी छूट गया था, और गाइज अभी बॉलर के पास ही खुद कैच आ चुका था वो भी छूट गया है, तो दो बार मिस फील्ड हो चुकी है और अभी अभिषेक भाई के हाथ से भी बॉल खिसकी जहाँ पे गाइज रन आउट का चांस था, ठीक है, 50-50 चांस था बट वो भी रन आउट से बच गया बंदा।
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियों के साथ ना गाइस मैच काफ़ी आगे तक चला जाता है और एक एक रन से काफ़ी बड़ा स्कोर बन जाता है। तो अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या फिर से इन्हें चांस मिलेगा रन आउट करने का टीम को। अगर मिलता है तो कितना इनका लक साथ देता है, कितने अच्छी ये फील्ड करते हैं, देखते हैं गाइस इस बॉल पे ये चांस है गाइस यहाँ पे। बट ये चौका देखने को मिल गया गाइस हमें, क्योंकि यहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं है और एकदम से अच्छा शॉट खेल रहा है बैट्समैन ने और चौका लग ऐसा चांस गाइस अभी देखने को मिला था हमें, बट गाइस ये ओवर भी समाप्त हो चुका है, चांस इन्होंने खो दिया है। और गाइस दो ओवरों में 26 रन बन चुके हैं जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर है। और गाइस अभी स्टार्ट होने जा रहा है तीसरा ओवर, देखते हैं टक्शा ही 11 किस प्लेयर को अपने बॉलिंग का ऑफर देते हैं और कौन सा बॉलर फर्स्ट विकेट निकालता है गाइस, क्योंकि अभी तक एक भी विकेट देखने को नहीं मिल रही है गाइस हमें और स्कोर काफ़ी बड़ा हो चुका है। दो ओवरों में 26 रन गाइस काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, 10 ओवरों में तो गाइस कहाँ मतलब 150 तक स्कोर जा सकता है मेरे आईडी से, बाकी देखते हैं कहाँ तक स्कोर जाता है, क्योंकि जब दो ओवर में 26 रन आ सकते हैं तो ये बैट्समैन काफ़ी बड़ा स्कोर भी बना सकते हैं गाइस। तो देखते हैं अभी इन्होंने शायद से अनमोल को तो नहीं दिया गया, जिस बॉलर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। तो देखते हैं आज इसका लक कितना साथ देता है और क्या ये पहली बॉल में विकेट निकाल सकता है या कुछ हिट खाएंगे। डॉट बॉल है गाइस, बट ये चौका देखने को मिल रहा है गाइस, देखो पीछे चौका लग चुका है और ये 4 रन अंपायर के द्वारा दिए गए हैं जो कि बिल्कुल डॉट बॉल थी, बट पीछे मिस फील्ड होने के कारण गाइस ऐसे ही इस ग्राउंड में मिस फील्ड होने का कारण ये बनता है गाइस कि मैच आप हार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिस फील्ड अगर होती है तो काफ़ी बड़ा स्कोर बन जाता है। तो देखते हैं आगे आगे क्या है, अच्छी अपनी फील्ड को थोड़ा सुधारते हैं तो जीत विन कर सकती है मतलब टीम, अगर नहीं सुधारेंगे तो बड़ा स्कोर बन जाएगा। और गाइस इस बॉलर पे हमें पहली ही बॉल में चौका देखने को हमें मिल चुका है, अभी गाइस ये दूसरी बॉल है क्योंकि इससे पहले की वाइट बॉल थी गाइस ये कैच का चांस बनता था गाइस, यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा कैच का चांस बन सकता था अगर ये थोड़ा एफर्ट लगाते, बट हाँ अपनी टीम के लिए चौका लगने से बचाया है, वो भी काफ़ी बड़ी मतलब सम्मानजनक बात है। अब ये तीसरी बॉल डालेंगे और फिर से उठा के मारा है गाइस, बट ये मुझे लग रहा है कि सिक्स ए गाइस कैच आउट गाइस यहाँ पे, ज़्यादा ज़ोर से शॉट नहीं खेला है जिसका इन्हें नुकसान भुगतना पड़ा और बाहर जा रहे अभी काफ़ी निराश होके, पूरी ही टीम जोश के साथ काफ़ी होश में आ चुकी है, अभी तो होश आ गया गाइस जिनको कि हमें कैसी बॉलिंग करनी है और अच्छे से बॉलिंग करेंगे कैच का चांस भी बनेगा, मिस फील्ड करनी नहीं है। दूसरा प्लेयर आ चुका है गाइस बैट्समैन, धर्मपुर का नहीं तो शुभम मतलब तो ही राम ये तो गया क्या बात करता मैंने ये नहीं आ रहा शॉट भी शॉट कभी नहीं है ना ये कहाँ खेलता रहा आना और जाना हुआ गई जी ये कहाँ खेलता रहा शुभी ये कहाँ खेलता शुभी आ रहा ये तो उससे आता हूँ जब मजे के लिए पवन अच्छा सर इसके बाद तेरी बारी है गया छक्का है ऊपर है ऊपर बहुत यार नहीं हुआ था नहीं था यार नहीं बनता था यार इस पे बहुत ऊपर थी इस पे नहीं बनता था बहुत ऊपर थी ये बोल तो लंबा बंदा तो बिना पकड़ अरे को जा से बच गया बच गया भाई बच गया कैसा है थोड़ा सा मार गया था जोर से गया
शॉट है, चौका है। गाइस अभी जैसे ओवर शुरू हो रहा है ना, तो अभी पावर प्ले को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है टीम में कि 3 ओवर का पावर प्ले या 4 ओवर का। बट गाइस जैसे 10 ओवर का मैच है तो नॉर्मल सी बात है कि 3 ओवर का पावर प्ले होगा, उसके बाद गाइस मतलब 5 प्लेयर बाहर निकल जाते हैं, बाकी पावर प्ले के अंदर रहते हैं बाकी टीम में। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम हो सकते हैं गाइस। नहीं जो बात कही थी राहुल, ऊंची ऊंची चौका। सो फर्स्ट हाफ तो खत्म हो चुका है, धर्मपुर की टीम ने दक्षा 11 को स्कोर दिया है गाइज 160 रन का टारगेट। कह रहा था ना गाइज मैं कि 150 से पार कर जाएंगे गाइज, ये तकरीबन 150 तक भी पहुंच सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा मिसफील्ड देखने को मिली गाइज हमें दक्षा 11 से, जो कि हालांकि जब हमारे साथ ये खेलते थे तो मिसफील्ड का कोई भी चांस नहीं बनता था। एक तो मिस्टर साहिल गाइज इनके टीम से खेलते हैं, जो कि आज ओपोनेंट की टीम से कह रहे हैं धर्मपुर की टीम से, वो भी गाइज इनको बॉलिंग पेश करेंगे, अभी देखते हैं उनकी बॉलिंग कैसी रहती है। और गाइज इस मैच से पहले ना जितनी भी बार मिस्टर साहिल हमें दक्षा 11 की टीम से खेलते हुए दिखे हैं, उतनी ही बार गाइज उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और काफ़ी अच्छी उनकी फील्डिंग है गाइज, कैच तो वो बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। हालांकि मैक्सिमम टाइम वो बाउंड्री पे लगे होते हैं गाइज, स्ट्रेट में बाउंड्री के ऊपर लगे होते हैं, क्योंकि वो कैच बहुत बढ़िया कैच पकड़ते हैं और कैच तो छोड़ते नहीं है। और ये मिस्टर साहिल है गाइज जो हाथों से इशारा कर रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, आज ही ओपोनेंट की टीम से कह रहे धर्मपुर की टीम से, क्या ही संजोक है गाइज। देखते हैं ये कैच पकड़ते हैं अपने टीममेट के या फिर बॉलिंग में विकेट चटकाते हैं दक्षा 11 की। ये बेचा खेल गया मनोज, हेलो पहली बॉल, पहले ओवर की पहली बॉल, छोटा बॉलर है गाइस, देखते हैं क्या कर पाता है। छोटा विकेट बड़ा धमाका है, छोटा विकेट बड़ा धमाका है, देखते हैं। ओ भाई बहुत तगड़ी बॉल मार गया, सीन बड़ा देना है। विकेट लेने दिए थे, बोला बंदा ठीक बोल रहा है जो पहला ओवर देते इसके क्यों तो भाई वाइट बॉल बढ़िया अभी अभिषेक करेंगे, डारा में आ गया तो भाई रडार में आ गया अगर अभिषेक कर बड़ा बड़ा बोल रहा है बच गई विकेट।
वाइट वाइट दो बोले दो रन है बोल्ड देखा ये नहीं राकेश खड़े खड़े खेलवे आ गया बाहुबली बाहुबली बृहस्पति अब से कर डायरेक्ट में बैठा चले अरे बीबू कहां गया शिवम ये वहां बीबू कहां क्या एक दो तुम्हारे गाने गाने एक दो सके लो आंधे पर सुकोस पर चक कुछ ही होगा शुरू में नहीं मार रहा तो बॉल आ गया कर ठीक भाई जो तो शॉट से तो चक्का तो इसने दे दिया शॉट तब बल्ला बेच रहा है शायद यही खेल लो इनसी ओह तो भाई अब बच गया अच्छा ऊपर निकाल गया रे बंदा इसको देखें दूसरा ऊपर जड़ी बड़ी हिट अभी इतनी लगी नहीं है तो बड़ी हिट बहुत जरूरत है टीम को दो रन चुरा दे
ए गई सिक्स चौका चौका और क्या सारे सिक्स अब शेख तो पूरा क्रिस के बोला नंबर भी क्रिस के लाल बताए 99 लेफ्टी बंदा है ना ड्रेस 99 तेरा भी हां 10 नंबर बोले खत्म लास्ट बॉल पाउल और इस बार थोड़ा चकाया बाउंस के चलते डॉट ने भी वहां पर एक ओवर डायरेक्ट चौका छह रन छह मेरा बहुत गंदा शॉट मार गया ए गई बच बाबर पहुंच उसकी तो वरिंदे रहने देने क्या कर रहा है एक लोन होनी है बता दे मुझे को जाना होगा वहां है ना और गाइस फाइनली इतने देर से हम जिस प्लेयर का इंतजार कर रहे थे मिस्टर साहिल बेस्ट बॉलर गाइस अपने टीम के से ये खेलते हैं आपको मैंने बताया था मैं शुरू होने से पहले भी और गाइस अभी देखते हैं धर्मपुर की 11 की टीम से खेल रहे हैं अब देखते हैं गाइस साहिल 11 को या तो चौके छक्के बरसात करवाएंगे या फिर विकेट की बरसात करेंगे अपनी धर्मपुर की टीम के लिए ठीक है अभी देखते हैं पहली बॉल पर इनके क्या लगता है या फिर विकेट आती है शॉट तो लगाया अच्छा खेलता रहा करना एक इन्हीं टीम का बंदा ही है एक मार बोलो फिर मुंह के बोल
बोले खत्म एक बोल रही थी और ऐसा तो महंगा उड़ गया अभी छठा बच्चे सारा रिएक्शन देखे भाई भाई बनता रहा इतना और फाइनली गाइस इस मैच को विन कर जाती है गाइस धर्मपुर 11 काफी अच्छे स्कोर से। गाइस दक्षा 11 ना यार जो इनके टीम में जो स्टार्टिंग में खेलने आए थे ना वो इतना अच्छा खेल नहीं पाए, जैसे मिस्टर अभिषेक गाइस काफी हट्टे कट्टे तो गाइस उनसे ना मिस्टर अभिषेक से टीम को काफी ज्यादा उम्मीद थी बट वो इतना अच्छा खेल नहीं पाए जिसकी वजह से उनको ये हार का सामना करना पड़ा। तो गाइस अभी ना मैच समाप्त हो जाता है, अभी हम भी चलते हैं घर को, अभी पिच की रिपेयर करेंगे ये लोग जो मैच करवा रहे हैं, इसमें पानी देंगे थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे जहाँ पे खड्डा सा बन जाता है ना बैट को मार मार के, तो बस वो काम चलेगा। तो अलविदा गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।